This is Turkish Consul General in Karachi, and today we are making the gala of the Selahattin Eyyubi dramas, and we are very happy that to see this cooperation between the film industries of Turkey and Pakistan, and Pakistan with these young talents will increase its power in the field of cinema and the drama production, and Turkey as other fields is ready to contribute this. ये ड्रामा सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की लाइफ पे बन रहा है और ये बेसिकली एक पाकिस्तान और टर्किश को प्रोडक्शन है. ये सीरीज़ है, 104 एपिसोड्स हैं, इसके 3 सीजन्स हैं और ये बेसिकली जो मिसकंसेप्शंस ऑफ इस्लाम है उनको एड्रेस करने के लिए है. दूसरा, किस तरह से पीसफुल हार्मनी के साथ को एग्जिस्टेंस की जाती है, सारे मज़हब, सारे कल्चर, सारे रिलीजन्स जितने भी हैं वो साथ कैसे एक बड़े ब्रदरहुड के साथ रह सकते हैं. दूसरा ये कि ये सारी दुनिया के लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है. मैं आपको बताता चलूं कि वर्ल्ड वॉर वन की जो पहली बत्तरबंद गाड़ी इंग्लैंड ने बनाई उसका नाम सलाउद्दीन था. जो नॉर्वे में एक नेशनल डे होता है वो सलाउद्दीन के नाम का है. आयरलैंड में एक नेशनल डे होता है सलाउद्दीन के नाम का. तो ये मैं बताने का मकसद ये है कि सलाउद्दीन अय्यूबी एक ऐसी फ़िगर थे जो सिर्फ मुसलमानों की फ़िगर नहीं थे, वो सबके लिए इस दुनिया में आए और बड़े रहम दिल हुक्मरान रहे, और उनको हमने डिपिक्ट किया इस ड्रामे में. पाकिस्तानी कास्ट इसमें 25% होगी इंशाल्लाह, और इससे शोबिज़ का भी फ़ायदा है क्योंकि हमें भी उनकी जो आपने रीसेंट प्रोडक्शंस देखी हैं तो हमें भी उनसे बहुत कुछ सीखना है ताकि हम भी उस लेवल की प्रोडक्शंस करें. तो हम उम्मीद रखते हैं कि इसका सेकंड सीज़न या थर्ड सीज़न की कुछ शूटिंग पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह होगी. मैं मुबारकबाद देता हूँ जुनेद अली शाह को, अपने काशिफ अंसारी भाई को, कि उन्होंने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है. ये पाकिस्तानी इंडस्ट्री को इससे बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि इतने बड़े बजट के ड्रामाज यहाँ नहीं बनते, तो उन्होंने को प्रोडक्शन की है विद टर्किश प्रोडक्शन हाउस, ताकि ये सीरियल जो है वो पूरी दुनिया में देखा जाए. उनकी रीच ज़्यादा है टर्की की, उनके ड्रामाज जो हैं वो, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा है. और मैं समझता हूँ कि क्योंकि डायरेक्टर जो हैं कौने कमरे, उन्होंने वो सीजन डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो उनके साथ आपको ये कोई शक नहीं होना चाहिए कि ड्रामा अच्छा नहीं बनेगा. तो ड्रामा बहुत अच्छा बनेगा. जैसे सलजुक बना है उन्होंने, बहुत मशहूर उनका ड्रामा है, तो इस तरह सलाउद्दीन अय्यूबी जो कैरेक्टर भी है वो दुनिया का माना हुआ कैरेक्टर है, और उसके ऊपर यहाँ ड्रामा बन रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है. जो इस शख्सियत पे ये बनने जा रहा है वो हमारी हिस्ट्री, हमारी इस्लामिक हिस्ट्री, पूरी दुनिया में उनका क्या कैरेक्टर था, क्या वो शख्सियत हैं, क्या उन्होंने किया. मेरी अम्मी के वन ऑफ माय हर फेवरेट हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं, तो इट्स अ ह्यूज ऑनर कि हमें ऑडिशंस के लिए अप्रोच भी किया गया जब मुझे फ़ोन आया. एंड अब देखते हैं आगे क्या होता है. अभी तो गोल्डन टिकट मिला है, अभी तो हम शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ. बट इट इज़ ह्यूज कि ये पहली प्रोडक्शन है जो पाकिस्तान टर्की के साथ कोलैबोरेशन में कर रहा है, और इट्स गोइंग टू बी रियली रियली बिग. और ये बहुत बहुत ही, मैं कहूँगी, इट्स एन अमेजिंग स्टेप कोलैबोरेशन है. ये बहुत अच्छी एक आई वुड से कि पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है कि अगर हम ऐसे वेंचर्स जो हैं वो आगे हम करते हैं, और अगर इस किस्म की कोलैबोरेशंस होती हैं तो फिर पाकिस्तानी जो जो टैलेंट है उनको इंटरनेशनल मार्केट तक जो है वो लाया जाएगा, पोर्ट्रे किया जाएगा. एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू पोर्ट्रे दिस टू द वर्ल्ड. और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और आई विश द टीम ऑल द बेस्ट. देखिए, टर्की प्ले ये तो बड़ा अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, अंसारी एंड शाह के, ये बड़ा इनका अचीवमेंट है कि इस तरह का ये जॉइंट इन्वेंचर लेकर आए. और मैं समझता हूँ इसमें पाकिस्तान को भी और टर्की को भी बड़ा फ़ायदा होगा, हमारे जो आर्टिस्ट हैं और जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की है लोग हैं उनको बड़ा फ़ायदा होगा इसका. माय नेम इज़ इमरान पटेल, एंड राइट नाउ आई एम एट द लाइक अ ग्रैंड गाला ऑफ सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट टर्की और पाकिस्तान के कोलैबोरेशन से बनने जा रहा है. एंड आई वुड लाइक टू थैंक स्पेशली डॉक्टर जुनेद अली शाह एंड डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब, अलॉन्ग विद हिम मिस्टर एमरे कॉनक, फॉर दिस जॉइंट वेंचर एंड गिविंग अस अ प्लेटफॉर्म, सच अ बिग प्लेटफॉर्म. एंड वन मोर थिंग दैट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी शो बिजनेस, द फर्स्ट इवेंट.